नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पॉप 5 प्रो वर्सेस टेक्नो कैमन 19 नियो का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पॉप 5 प्रो में 6.49 इंच जबकि कैमन 19 नियो में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो पॉप 5 प्रो में 2.99 इंच जबकि कैमन 19 नियो में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो पॉप 5 प्रो में 0.37 इंच जबकि कैमन 19 नियो में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पॉप 5 प्रो में 6.52 इंचेस जबकि कैमन 19 नियो में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पॉप 5 प्रो में 720x1600 और कैमन 19 नियो में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पॉप 5 प्रो में 81.94% जबकि कैमन 19 नियो में 84.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पॉप 5 प्रो में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि कैमन 19 नियो में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पॉप 5 प्रो में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और कैमन 19 न्यू की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में QVGA देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पॉप 5 प्रो में 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और कैमन 19 न्यू की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो पॉप 5 प्रो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और कैमन 19 न्यू में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पॉप 5 प्रो में पावर GE8300 जबकि कैमन 19 नियो में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पॉप 5 प्रो में मीडियाटेक हीलियो और कैमन 19 नियो में मीडियाटेक हीलियो G85 मिलता है। बात करें रैम की तो पॉप 5 प्रो में 3GB जबकि कैमन 19 नियो में 6GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो पॉप 5 प्रो में 32GB जबकि कैमन 19 नियो में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पॉप 5 प्रो में अप टू 256GB जबकि कैमन 19 नियो में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पॉप 5 प्रो में एंड्रॉइड V11 जबकि कैमन 19 नियो में एंड्रॉइड V12 देखने को मिलती है। बैटरी पॉप 5 प्रो में 6000mAh जबकि कैमन 19 नियो में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पॉप 5 प्रो 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹8,360 में मिल जाता है और बात करें कैमन 19 नियो की तो वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹12,999 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो पॉप 5 प्रो में 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें टेक्नो कैमन 19 नियो की तो उसमें 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में कैमन 19 न्यू आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में कैमन 19 न्यू आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो पोवर है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10 एस है, तीसरा ओप्पो A54 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।